पाकिस्तान का सिस्टम और सेना अब इस कदर लाचार हो चुकी है कि उसे आतंकियों पर काबू करने के लिए मौलवियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन बकायदा पोस्टरों के जरिए सेना और सरकार के खिलाफ अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। टीटीपी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में आतंकियों ने 272 हमले किए, जिसमें 447 लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना है। लचर व्यवस्था का रूप कितना डरावना हो सकता है, अगर इसे आप समझना और देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए। यहाँ के चप्पे चप्पे पर आपको वो कहानियाँ मिलेंगी जो ये बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आतंकवाद ने तहस नहस कर दिया है। दहशतगर्दी का ये दैत्य पाकिस्तान में अब इतना विकराल हो चुका है कि खुलेआम पाकिस्तान की सरकार और सेना को ठेंगा दिखा रहा है। यही वजह है कि इस सिस्टम की लाचारी ने पाकिस्तान की सत्ता और शासन को मौलवियों के कदमों में झुका दिया है। यानी पाकिस्तान अब मौलवियों के सहारे तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम कसना चाहती है। पाकिस्तान में आतंक की फसल कैसे लहलहा रही है, इसे समझने के लिए इस पोस्टर की कहानी को समझना होगा। दरअसल इस पोस्टर को आतंकी संगठन तहरीक तालिबान की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की सेना और सिस्टम के खिलाफ आतंकियों की कामयाबी की पूरी लिस्ट तैयार की गई है। दरअसल ये पोस्टर महज दहशतगर्दी की कामयाबी की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी बैलेंस शीट है, जिसमें आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ अंजाम दिए गए मिशन का पूरा हिसाब किताब लिखा है। दहशतगर्दी की इस बैलेंस शीट में तहरीक तालिबान की तरफ से अगस्त 2024 में आतंकी हमलों और उनकी कामयाबी के आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए हैं। इस पोस्टर में बताया गया है कि अगस्त महीने में कुल 272 हमले किए गए, जिनमें 447 लोगों के मारे जाने और घायल होने की जानकारी दी गई है। यानी आतंकी संगठन ये खुलकर कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल रखा है। इस पोस्टर में बताया गया है कि अगस्त महीने में सेना और सुरक्षा बल से जुड़े 447 लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें से 202 लोगों को हमले में हताहत बताया गया है। आतंकी संगठन द्वारा जारी की गई इस जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में सेना के 272, काउंटर टेररिज्म के 86 और अन्य विभागों के 92 लोगों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इसके अलावा इस पोस्टर में बताया गया है कि इन हमलों को कैसे अंजाम दिया गया है और कौन कौन से हथियार सुरक्षा बल से छीने गए हैं। मसलन इस पोस्टर में गोरिल्ला हमले, मिसाइल हमले, घात लगाकर हमले और छिपकर हमले करने की स्ट्रेटजी बताई गई है। उधर बीते महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और उसने भी एक ही हमले में सुरक्षा बलों के 126 लोगों को मारे जाने का दावा किया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में मौलवियों को इन आतंकी संगठनों के खिलाफ लोगों से अपील करने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी फौज और वहाँ का प्रशासन आतंकवादी संगठनों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के बारे में मौन है, लेकिन सेना की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उसने लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया है और कई आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तहरीक तालिबान की तरफ से जिन हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी अगर तह तक जाए तो पता चलता है कि अगस्त महीने में रोजाना 7 सुरक्षा बलों को आतंकियों ने मौत की नींद सुला दी है। ये एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के मौलवी इन आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इन फतवों में धार्मिक किताबों का हवाला देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों में इस बात का प्रसार किया जाए कि इन आतंकियों को किसी भी तरह का सहयोग ना किया जाए।